हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आज हम फैशन डिजाइनिंग विद सुमन में सिखाएंगे स्कर्ट वेरिएशन। ये मैंने एक 10 साल की लड़की का माप लिया है, जिसमें हमारी लेंथ है 15 इंच और उसकी हिप है हमारे पास 26 इंच, और उसकी वेस्ट है जो कमर पे हम बेल्ट वगैरह टक करते हैं 24 इंच, और इसकी बॉटम बॉटम है उनकी 24 इंच। इसी से हमने ये पैटर्न काटा है। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्लस टू किया है, यहाँ पे हमने प्लस टू किया है, यहाँ पे हमने कोई प्लस नहीं किया है। हमने उसकी बॉटम में बिल्कुल भी प्लस नहीं किया, क्योंकि जो बैक पार्ट होगा वो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कटेगा इससे चौड़ाई में। इस तरीके से हमने इसको यहाँ से एक मेजर कर लिया है बना के। ये देखिए, ये इसका हमने हिप वेस्ट लिया है, ऊपर हिप हमने यहाँ से 5 इंच छोड़ के, क्योंकि ये बच्चे का, अगर बड़े का होता उसके अकॉर्डिंग हम उसका हिप का और वेस्ट का बीच नापते हैं, तो इसका हमने 5 इंच छोड़ के इसका हमने यहाँ पे हिप लिया है इस तरीके से। और ये हमारी इसकी बॉटम है, जो कि हमारी 24 इंच बॉटम है, और इसकी लेंथ जो हमने ली है वो हमने 15 इंच ली है यहाँ पे। अब इसमें हम वेरिएशन करेंगे। पहले तो हमने इसकी डार्ट निकाली है, वेस्ट का बीच करके हमने इसकी डार्ट की लेंथ 3 इंच ले ली है। उसके बाद हम वेरिएशन कैसे करेंगे, पहले आप इसका 1/2 इंच डाउन कर लीजिए और इसे कट कर दीजिए। ये हम कट कर चुके हैं इसका 1/2 इंच। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, यानी ये इसका मिड पॉइंट है हमारे स्कर्ट का, क्योंकि ये पैटर्न फोल्ड में नहीं है, वन में है, और ये हमारा हिप साइज है, जो हमारे यहाँ पे एक साइड हमारी चेन लगेगी और एक साइड ये बंद हो जाएगा। आप चाहे तो चेन बैक में भी लगा सकते हैं, पार्ट को टू करके, अगर आप चाहे तो साइड में लगा सकते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ से, इस डार्ट से और यहाँ तक को हम इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो हम मापेंगे कि हमारा कितना है इसमें। तो यहाँ से मापने के बाद ये हमारा करीबन 3 इंच है। अब 3 इंच को हम डिवाइड करेंगे, 1/2 1/2 इंच में कर देते हैं हम इनको डिवाइड। ये हमने 1/2 1/2 इंच के मार्क कर लिए हैं। देखिए, हम फर्स्ट वाले 1/2 इंच को छोड़ देंगे और स्केल की सहायता से हम इस तरीके से, इस वाले से हम ऐसे, ये जहाँ तक ज़्यादा, पहले हम 1 2 3 4, लेकिन हम 3 ले लेंगे, क्योंकि हमें अपनी डार्ट भी देखना है कि हमारी डार्ट बचनी भी चाहिए। अगर हमारी डार्ट नहीं बच रही है तो हमें उसे बचाना होगा। अगर थोड़ा बहुत जाता है तो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें उसे बचाना है। कोशिश हमारी डार्ट बचाने की होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से आप जैसे हाफ लिया तो आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, एक अकॉर्डिंग टू आप इसमें किस तरह की, कितनी चौड़ी प्लेट प्लीट्स चाहते हो। अगर आप पहले एक रफली भी आइडिया ले सकते हो। बिल्कुल ऐसे करके देखिए, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया। आप 2 भी रख सकते हो, अगर आपका मन है कि नहीं मुझे 2 ही चाहिए तो आप 2 रख लो, अगर आपको लगता है कि मुझे 3 चाहिए तो आप इस तरह से 3 पे भी कर लीजिए। ये देखिए, हम ये इस तरीके से निशान लगा चुके हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अलग नहीं होना चाहिए, और बाकी आप इसे यहाँ से ऐसे कट कर कीजिए। स्कर्ट वेरिएशन भी कह सकते हो, इसे स्कर्ट मैनिपुलेशन भी कह सकते हो, क्योंकि एक सिंपल बेसिक पैटर्न से हम कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक पे काटेंगे तो हमें आइडिया नहीं आएगा फैब्रिक का, और फैब्रिक एकदम नहीं कटता है, तो पहले पेपर पैटर्न बनाया जाता है उसका, उसके बाद ही उसे फैब्रिक पर कट किया जाता है। ये देखिए, ये हमने कट कर लिए हैं, और ये हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा
इनको छोड़ भी दिया। अब हम इस पर वेरिएशन करेंगे, तो हमें एक इसके नीचे एक पेपर चाहिए ताकि अच्छे से हम वेरिएशन कर सकें। और ये ध्यान रखना, जितना हम यहाँ पे गैप देंगे उतना ही हमें इसमें देना है, उसी अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा या कम नहीं करना है। इस तरीके से इनमें हमें गैप देना है। तो आगे हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से पेपर ले लिया है। मैंने कलरफुल पेपर इसलिए लिया है कि आपको आसानी से दिखाई दे और आपको इसको समझने में आसानी हो। हम इसे ऐसे बिछा लेंगे और पहले इस वाले पेपर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। अगर ये सेट हो जाता है तब हम आगे चलेंगे। तो हम आप फेविकोल से या टेप की सहायता से या स्टेपलर की सहायता से इसे जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे इसे पेस्ट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ से फटने वाला है तो यहाँ पे आप टेप चिपका सकते हैं ताकि ये फटे ना, आसान रहे। अब हम इसको इसका वेरिएशन करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसका वेरिएशन करेंगे। अब हम इस वाली को चिपका लेंगे। पहले वाले को पेस्ट करने में इतना दिक्कत नहीं आता है क्योंकि उसके बाद अकॉर्डिंग चलना होता है। मैं फर्स्ट को आप जितना चाहे उतना घुमा सकते हो, लेकिन हिसाब रहे कि यहाँ से झोल ना आए, यहाँ पे इस पॉइंट पे झोल ना आए। अगर यहाँ पे झोल आता है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब हम ऐसे इसे माप लेंगे। मेरा 3 इंच का गैप है। हम यहाँ पे भी इसे मेजर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे खोलेंगे। अब हमें इक्वल चलना है, ना इधर ज़्यादा ना कम रखना है, क्योंकि हम पहले को आप कम ज़्यादा कर सकते थे, अब उसके आगे नहीं कर सकते आप। हम यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमारी बारी है इसकी। और ऐसे ऐसे वेरिएशन होता चला जाता है, मैनिपुलेशन कह सकते हो आप, वेरिएशन कह सकते हो। ये देखिए, हम इसे इस तरीके से पेस्ट कर चुके हैं। अब हम इसे इसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें शेप देना है यहाँ पे। अगर हम ऐसे ही कट करेंगे तो ये उठा उठा सा हो जाएगा और हम जब कपड़े पे कट करेंगे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो पहले हम इसको यहाँ से कट करते हैं। ऐसे आप स्कर्ट का वेरिएशन कर सकते हो, आप नेक वेरिएशन कर सकते हो, आप स्लीव का कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको यही कट करना, आपके माइंड में कुछ और भी डिजाइन है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ऐसे पकड़ेंगे इसे, ऐसे एक क्रीज बना लेंगे ताकि आपको आसानी हो इस तक आने में, इसे कंप्लीट करने में। तो थोड़ा सा तो माइंड आपको यूज करना ही पड़ेगा, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी देखिए अपने में, एक बार आप गलत कर देंगे लेकिन दोबारा आप जरूर ठीक करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हमेशा ही, और मुझे भी एक बार में नहीं आया, मैंने भी काफी बार इस पे करके देखा तब जाके ये आया। ये बहुत अच्छा लगता है, स्कर्ट में एक न्यू सा डिजाइन आता है। ऐसे लगता है जैसे हमने प्लीट डाली हुई है स्कर्ट के अंदर अलग से, और ये भी फील होता है जैसे फैब्रिक कट करके लगाया, लेकिन ये कट करके नहीं लगाया होता, ये डायरेक्ट इस तरीके से इसमें मतलब कि डिजाइन आ जाता है। और ये सिलने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती है। जैसे आप सिंपल स्कर्ट बनाते हो उसी में आप थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन डाल सकते हो। अब आप इसे कट कीजिए। देखिए, ये हमने इसे कट कर दिया। ये देखिए, हमारा वेरिएशन हो गया।
अब जब आप इसे कपड़े पे रखोगे तो इस तरीके से फैलाओगे, ये ऐसे फैला के आप कपड़े पे निशान लगा लो। जब आप जब कपड़े पे निशान लगाओ तो इसमें मैंने मतलब कि सिलाई का नहीं लिया हुआ है मेजरमेंट, तो आप इससे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा करके ऐसे कट करोगे। यहाँ से भी सिलाई का आप लेके चलोगे अंदर मार्जिन के लिए हाफ इंच, और इस तरीके जहाँ पे आपकी ये वाली जो आपकी ये वाली क्रीज बनी है उसी पे आप अपने फैब्रिक पर चौक से निशान लगा लोगे, ताकि आपको इस तरह से बनाने में काफ़ी आसानी हो। और ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद भी, ये देखिए ऐसे हो जाती है। मैंने इसका बैक पार्ट भी काटा हुआ है, बैक है ये, और जो बैक है वो इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा है, ये देखिए, क्योंकि बैक आप 1 या 1/2 इंच आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप बड़े बड़े में ले रहे हो, अपने फुल साइज में ले रहे हो, तो आपको ये 1 इंच लेना पड़ेगा। अगर आप बच्चे का ले रहे हो तो आप 1/2 इंच ले सकते हो, क्योंकि बच्चे का हिप्स इतना उभरा हुआ पार्ट नहीं होता है। देखिए इस तरीके से, और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है, देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस टाइप की बनती है, जैसे कि ये प्लीट्स यहाँ पे आ गई अपने आप, जैसे हमने बनाया था। इसका डिज़ाइन इस तरीके से आता है, ये देखिए, ये हमने साइड में इसमें चेन लगाई हुई है, ये देखिए। और ये जो इसका बैक हिस्सा है, ये बैक है, बैक में हमने इस तरीके से कट करके और ये पीछे थोड़ा सा स्लिट दिया हुआ है, ताकि चलने में थोड़ा आसानी हो, टाइट ना लगे। ये पीछे भी हमने डार्ट डाली हुई है, और डार्ट इसमें भी डालनी है, ये देखो डार्ट जो डालोगे वो आप पे इसके अंदर आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी डार्ट। ये मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके की प्लीट्स डली हुई है, जैसे कि ये कलर से निशान लगाया था कि इसका बीच बनना है, ये डार्ट है दोनों। तो आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आ गया होगा, आप काफ़ी सुंदर से इसको कर सकते हो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे और टाइम मिलता तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा स्कर्ट मैनिपुलेशन करूँगी, उसका वेरिएशन करूँगी, आप देखना, आप भी काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, बाय।